दोस्तों MiG-21 सोवियत यूनियन का बनाया गया फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जो कि 1959 से 85 तक प्रोड्यूस होते रहे हैं और तकरीबन 11,696 की तादाद में प्रोड्यूस हुए हैं। भारत MiG-21 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। 1961 में इंडियन एयरफोर्स ने मुतअद्दद दूसरे मगरबी हरीफों के मुकाबले में MiG-21 की खरीदारी का इंतखाब किया। एज ए पार्ट ऑफ द डील सोवियत यूनियन ने इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और राइट फॉर लोकल असेंबलिंग की मुकम्मल मुंतकली की पेशकश की। इंडियन एयरफोर्स ने मुतअद्दद दूसरे मगरबी हरीफों के मुकाबले में MiG-21 की खरीदारी का इंतखाब किया। एज ए पार्ट ऑफ द डील सोवियत यूनियन ने इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और राइट फॉर लोकल असेंबलिंग की मुकम्मल मुंतकली की पेशकश की जिसे इंडिया ने कबूल कर लिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इंडिया ने MiG-21 1964 को सर्विस में शामिल किए जबकि 1962 में ही इंडिया ने जेट फाइटर 2 स्क्वाड्रन खरीद लिए जिसका इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री इनकार करती रही है लेकिन बाद में मानना पड़ा। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। दोस्तों MiG-21 हासिल कर लेने के एक साल के अंदर ही 21 दिसंबर 1963 को इंडिया ने एक ही दिन में 2 MiG-21 तैयारे तबाह करवा लिए और ये खाता खुलवाने वाले स्क्वाड्रन लीडर मालकोम और स्क्वाड्रन लीडर आरूफ खांती ने मिलकर खोला था। इस हादसे में 2 MiG-21 आपस में टकरा गए और ये वाकया चंडीगढ़ के नजदीक पेश आया था। मजे की बात यह है कि जब मालकोम शेरी विंग कमांडर बना तो उसे एक और MiG-21 तबाह करवाने का एजाज मिला और ये एजाज उसे 1965 में 6 सितंबर पाकिस्तानी F-86 ने दिलवाया। इंडिया ने अपने इस जांबाज की कारकर्दगी को देखते हुए 16 अप्रैल 1980 को उसे एयर मार्शल भी बना दिया। इंडिया हर साल कामयाबी से अपने MiG-21 जमीन बोझ करवाता रहा और सबसे ज्यादा MiG-21 1999 को गिराए जो कि 16 MiG-21 थे और इसी साल टोटल 38 एयरक्राफ्ट तबाह हुए और लास्ट ईयर 2019 में ही इंडिया ने 13 तैयारे गंवा दिए जिनमें 3 MiG-21 थे। आखिरी MiG-21 तबाह करवाने का एजाज मशहूर जमाना अभिनंदन के पास था लेकिन 25 सितंबर 2019 को स्क्वाड्रन लीडर शिवानंद ने ये एजाज छीनकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों उम्मीद है इस साल भी MiG-21 की लैंडिंग का सफर जारी रहेगा। इंडिया का कहना है कि हमने अब तक 283 MiG-21 तैयारे तबाह करवाए हैं जबकि ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। गूगल के मुताबिक इंडिया ने 1963 से लेकर अब तक 1200 से ज्यादा मिग फाइटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं और 1966 से 1984 के दरमियान बनाए गए 840 एयरक्राफ्ट में से आधे तो क्रैश हो चुके हैं। 1970 से अब तक 170 इंडियन पायलट्स MiG-21 के हाथों मारे गए हैं और इसके अलावा 40 सिविलियन भी इन हादसात में मारे जा चुके हैं। MiG-21 को इंडिया में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है। MiG-21 FL वर्जन को इंडिया 2013 में ही रिटायर्ड कर चुका है और अब कुल मिलाकर 112 बच गए हैं जो कि MiG-21 बाइसन है। दोस्तों ये तो बात थी सिर्फ MiG-21 की जबकि इंडिया 1965 में टोटल 94 मुख्तलिफ तैयारे गंवा चुका है और इसी तरह 1971 में बिलाखिर इंडिया ने सेंचुरी कर ही डाली। 1971 में 100 मुख्तलिफ इंडियन तैयारे पर लोग सुधारे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो बराए मेहरबानी
नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी नई आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह नेकबान।